उपचुनाव के लिए मायावती ने खोले पत्ते, कुंदरकी सीट पर किया प्रत्याशी का ऐलान। उपचुनाव में मायावती ने चला मुस्लिम दांव, प्रत्याशी का नाम सुन सपा बीजेपी की उड़ी नींद। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसकी तारीख भी सामने आ गई है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक तरफ सपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत की तरह रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में लगी है। लेकिन इसी बीच दोनों पार्टियों का खेला बिगाड़ने के लिए बसपा प्रमुख मायावती मैदान में कूद गई है। जी हां, लोकसभा में खासा प्रदर्शन न करने वाली खोई बसपा एक बार फिर लौट आई है और उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो वहीं बीजेपी और आरएलडी साथ में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में आएगी। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने प्रेस नोट जारी कर अपने एक उम्मीदवार का ऐलान किया है, जहां कुंदरकी विधानसभा से बसपा के सिंबल पर संभल के रफतुल उर्फ नेता छिद्दा चुनाव लड़ेंगे। यानी कुंदरकी सीट पर मायावती ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा पर भरोसा जताया है। खास बात है कि मायावती ने भी उस मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बसपा ने जिन रफतुल्ला पर भरोसा जताया है, उन्होंने पहली बार चुनाव बसपा के टिकट पर ही संभल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। तब से लेकर अब तक वह बसपा के साथ ही हैं। साल 2012 और 2017 में भी उन्होंने बसपा से ही संभल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2022 में असमोली विधानसभा क्षेत्र से लड़े और इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि कुंदरकी सीट पर सपा और कांग्रेस में से सपा से उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। हालांकि अभी इस सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस और सपा दोनों पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें सपा 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। वहीं सपा ने 6 सीटों के लिए नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस के खाते में गाजियाबाद और खैर सीट है, जहां पर वह कई सालों से नहीं जीत पाई है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस जीत कर इस चुनौती को पार कर पाती है कि नहीं। वहीं बसपा इस बार चुनाव में क्या कमाल दिखाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।